रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल ने तृप्ति डिमरी को रातों रात स्टार बना दिया था। अब अपनी नई रोमांटिक कॉमेडी वेड न्यूज से उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक फ्लर्ट नहीं बल्कि एक पूरी तरह से काबिल एक्ट्रेस है। लगता है तृप्ति का सफर अभी शुरू हुआ है और वो बॉलीवुड की नई रानी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस बीच बॉलीवुड में एक नई खबर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बात हो रही है परवीन बॉबी की बायोपिक की। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बायोपिक में तृप्ति डिमरी के नाम पर मुहर लगने की खबर जोरों पर है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल से तो तृप्ति डिमरी ने धमाल मचा ही दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी किस्मत का सितारा और चमकने वाला है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर तरफ चर्चा है कि तृप्ति जल्द ही बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश अभिनेत्री परवीन बॉबी का किरदार निभाते नजर आएंगी। फिल्मफेयर ने एक बड़ा खुलासा किया है। सुनने में आया है कि परवीन बॉबी की कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए मेकर्स तृप्ति डिमरी को चुन सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये हमारे लिए एक धमाकेदार सरप्राइज होगा। मालूम हो कि परवीन बॉबी की लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। अगर उनकी बायोपिक बनती है तो फैंस को दिवंगत एक्ट्रेस के बारे में और करीब से जानने को बहुत कुछ मिल सकता है। आपको बता दें, वेड न्यूज के बाद आने वाले समय में तृप्ति डिमरी कई फिल्मों में नजर आएंगी जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 और राजकुमार राव की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एक्ट्रेस की अपकमिंग मूवीज है। अब इस मामले में परवीन बॉबी का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।